एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने। देखिए मेरे पापा सोए हुए हैं और ये हमारा मेरे मायके में सेकेंड डे है मेरा। और इधर मेरी भाभी भी रेडी हो गई है, मेरी मम्मी बैठी हुई है मेरी मम्मी बैठी हुई है और ये मेरा नीचे का हॉल है। आपको होम टूर कराऊंगी, कल कराऊंगी, आप लोग पास टाइम नहीं मिला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं आप लोग को हम दिखाते हैं। बच्चे पार्टी भी रेडी हो गए हैं, चलिए मिलते हैं रास्ते में, बाय। तो हम लोग निकल पड़े हैं घूमने जाने के लिए और आगे मेरा भतीजा, मेरी बेटी, उसको स्टेशन पर घूमना पहले घुमाती थी ना, तो ये उसको याद है। मेरे हस्बैंड साथ में हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा पैदल चलकर फिर सड़क पर जाकर ऑटो मिलेगा। हम लोग ई ऑटो में बैठेंगे, जो बैटरी वाली ऑटो आ रही है ना आजकल, और मेरे भतीजे की बात आप लोग सुन लीजिए। वाटर पार्क जा रहे हो? अच्छा अच्छा, अरे थाना वाटर पार्क हो जहाँ सुपर लोग लेटर। और ये घर के पास वाली सब सड़क, ये मेरा घर पड़ता है लहरतारा मरवाड़ी के, थोड़ा सा सड़क बड़क का ले रहे हैं। हमारा लोकल मार्केट बन गया है, वैसे कलर वलर हो रहा है। अब आप बात कर लेंगे फोन पे, उससे कॉल पे बात करके उसके कल था विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को, तो दोनों साइड बाजार हमारा लोकल मार्केट मड़वाड़ी पूजा वगैरह का। हम तो हम लोग जा रहे हैं सरस्वती पूजा और मेरा बनारस के वीडियो कैसा लग रहा है आपको बताइएगा। हमारा लोकल मार्केट बहुत अच्छा है और मतलब बहुत बड़े में है मेरा लोकल। अगर बहुत ज़्यादा सामान लेना रहता है तो हम लोग उदौले मार्केट जाते हैं, ले ले रहे हैं अपने पास वाले मड़वाड़ी मार्केट में ही अपना हम लोग मार्केट कर लेते हैं। ये भी लहरतार मड़वाड़ी से सीधे चढ़ती है, सीधे अपने महमूदगंज। तो देखिए हमारे ब्रिज के ऊपर उधर दिख रहा है मड़वाड़ी स्टेशन, और ये रहा हमारा मार्केट, सब्जी मार्केट, और जूतिया का बहुत भीड़। तो हम लोग उतर गए हैं रथ यात्रा चौराहा। रथ यात्रा चौराहा से थोड़ा सा आगे है कमाख्या बटुक भैरव का मंदिर, तो चलते हैं, आप लोग भी चलिए साथ में। रथ यात्रा से थोड़ी दूर पर ही मंदिर, मेरा भतीजा अपने फूफा के साथ देखिए कैसे हाथ में हाथ डालकर चल रहा है। सोसाइटी बहुत अच्छी है यहाँ की, और थोड़े गली में है बटुक भैरव, तो वही हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। तो ये रहा बटुक भैरव मंदिर का मेन द्वार, और यहाँ पर देखिए कुछ भिखारी लोग बैठे हुए हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखिए साइड में सब सीनरी की तरह नक्काशी किया हुआ है दीवार में पत्थरों से, कितना सुंदर लग रहा है। और आगे आगे मेरी बेटी, भाभी, भतीजा और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। और अगर वॉइस ओवर में आपको कुछ आवाज़ें आती होंगी तो प्लीज़ इग्नोर करेंगे, मेरा भतीजा बहुत शोर कर रहा है। कहाँ गए हैं प्रिया? पहुंच गए हम लोग मंदिर में,
बटुक भैरव, बटुक भैरव मीन्स ये बहुत छोटे से बटुक भैरव जी मतलब बाल रूप है, इसे इनको बटुक भैरव, और इनको प्रसाद में बिस्किट चॉकलेट ये सब चीज़ें चढ़ती हैं, मिठाई वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चढ़ती हैं। कैसे छोटे बच्चों को सब चढ़ाया दिया जाता है वैसे ही। और हम लोग चप्पल वगैरह सब खोल कर हाथ वाथ धुलेंगे। और फिर अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे हम लोग। तो ये रहा मंदिर, तो चलिए आप भैरव जी का दर्शन कर लीजिए। कुछ इस तरह का है, देखिए मंदिर में बटुक भैरव जी, बटुक महाराज की जय। कुछ इस तरह मंदिर है, और ये पंडित जी बैठे हुए हैं। और ये मंदिर कब का है मैं पंडित जी से आपकी अभी बात कराती हूँ, पंडित जी से थोड़ी जानकारी मैं लेती हूँ, तो आप लोग खुद सुन लीजिए। पंडित जी बोले आप बालक में विराजमान है। हाँ। और बालक होने के बाद अच्छा, ये मंदिर कब का बना है? 800 साल पुरानी है। और आप यहाँ पर कब से हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। अच्छा, धन्यवाद पंडित जी। फिर हम लोग एक बार परिक्रमा लगा लेंगे। ये पांच शंकर भगवान पांच लिंग है। फिर चलिए आगे मैं और भी कराती हूँ दर्शन। ये देखिए पंचमुखी हनुमान जी हैं, कल शनिवार था तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर परमेश्वर शंकर भगवान। फिर हम आ गए हैं कामाख्या माँ के मंदिर में, तो आप लोग भी कामाख्या माँ के मंदिर का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। चलिए आप लोग को मैं कराती हूँ। हम लोगों ने दर्शन करके फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था, तो पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जीवित समाधि करके है ये यहाँ पर। फिर उसके बाद पीछे साइड से इधर से ये संतोषी माता का मंदिर है, माता जी गुरु माता होंगे। संतोषी माता की संतोषी माता की पूरी आरती लिखी हुई है। नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है, गाना बजाना। तो ये है कामाख्या माता, लीजिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए कामाख्या माता का। नवरात्रि में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नवरात्रि में तो किसी भी देवी स्थान पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। और यहाँ पर चुंदरी वगैरह बांधते बांधते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे पार्टी सब लोग बैठे हुए हैं। ये पीपल का पेड़ है, कल शनिवार था तो सब लोगों ने।
पंडित जी थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताइए ना। और ये मंदिर कब का बना हुआ है ये भी लिखा हुआ है, तो ये सन 2003 का बना हुआ है।